नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2019-20 का 27,86,000 करोड़ रुपए यानी लगभग 28,00,000 करोड़ रुपए का बजट संसद में पेश किया। इसमें सबसे ज़्यादा यह जानने की ज़रूरत है कि यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब राजकोषीय घाटे में काफ़ी वृद्धि हुई है। यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब देश में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्च स्तर पर है। यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के रूप में चीन सहित कई अन्य देशों से कोसों दूर है। यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब देश में महिला सुरक्षा के मामलों में भारत ही भारतीय महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश साबित हुआ है। यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब देश में गरीबी और भुखमरी ने आम जनता को मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब देश की अर्थव्यवस्था विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में चुनौतियों का सामना कर रही है। और यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब देश में गाय, गंगा, गीता, धर्म, आस्था और पाखंडवाद के नाम पर देश के एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमानों के साथ साथ सिख, ईसाई, बौद्ध और जैनों की कभी भीड़ का सहारा लेकर हत्या की गई, तो कभी जाति, छुआछूत, भेदभाव और कभी नक्सलवाद, तो कभी आतंकवाद के नाम पर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। असल में यह बजट हवा हवाई बजट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बता दें कि दूसरी बार केंद्र में बनी मोदी सरकार का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया गया। सरकार ने बजट को विकास का रोड मैप करार दिया है, वहीं विपक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे हवा हवाई बजट कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट न्यू इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है, लेकिन वास्तव में यह बजट केवल पूंजीपतियों के लिए ही है, क्योंकि इसमें बहुजनों के लिए कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं बजट को लेकर किसका क्या नजरिया है। अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार के बजट को लक्ष्यहीन और दिशाहीन करार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट में लोगों को गरीबी के दुष्चक्र से निकालने की कोई कोशिश नहीं दिखाई देती है। आगे कहा कि बजट में मिडिल क्लास को भी कुछ नहीं दिया गया, बल्कि सरकार ने उन्हें एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से ले लिया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार रेलवे, एयरपोर्ट और सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। वहीं मायावती का कहना है कि ये बजट बड़े पूंजीपतियों को राहत पहुंचाने वाला है। बजट प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की हर प्रकार से मदद करने वाला है। इससे अनुसूचित जाति और पिछड़ों के आरक्षण को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसान व ग्रामीण समस्या और भी जटिल हो जाएगी। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि बजट में बेरोजगारी की समस्या को रोकने के लिए कोई योजना नहीं है। यह पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक है। निर्मला सीतारमण एक महिला है। राष्ट्र की महिलाओं को बहुत चीजों की उम्मीद थी, लेकिन वे पूरी नहीं हुई है। इसके साथ ही टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने बजट पर तंज कसा है। उन्होंने इस बजट को ड्रीम बजट बताया है। सरकार अब भी केवल सपने बेचने का काम कर रही है और भला नहीं कर रही। बजट इन सपनों से भी कोसों दूर है। यह आम लोगों के लिए एक बुरा सपना है। अगर देखा जाए तो यह बुरा सपना अब हकीकत में दिखने भी लगा है। बजट के बाद लोगों को तगड़ा झटका लगना शुरू हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 2.30 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। यही नहीं, भारतीय शेयर बाजार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पसंद नहीं आया है। शेयर बाजार की 40,000 के स्तर पर शुरुआत हुई, लेकिन बजट के बाद बाजार ने बढ़त को गवा दिया और कारोबार के अंत में दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस प्रकार से पिछले 70 सालों की तरह यह बजट भी पूंजीपतियों की जेब भरने वाला ही साबित हुआ है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एमएन टीवी।
धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।